अरे लिख लिए, तो ये भी लिख लिए। अब देख सिक्स एट लिख लिया, एट का लिख टू इंटू, एक मिनट सर एट का भी लिखता हूँ, टू इंटू फोर प्लस जीरो। मतलब ये तो देख यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है अपने को कि ये टू तो फिक्स है ठीक, हाँ टू नहीं हटेगा और ये चेंज हो रही है इंटीजर की वैल्यू है ना, तो इसको अगर हमने क्यू लिख दिया यहाँ पे तो इट कैन बी क्यू कैन बी क्या हो रहा है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, ऐसे सो ऑन है ना, चलता जाएगा ठीक है। क्यू को हम कुछ कोई भी वैल्यू मान मतलब क्यू वन टू इंटीजर हो गया ना, वन टू थ्री फोर फाइव चलता रहेगा आगे, हाँ पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो कोई भी वैल्यू है ये उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल टू टू क्यू प्लस जीरो। कोई भी इंटीजर इवन है, इवन इंटीजर ए, तो प्लस हम उसको क्या लिख सकते हैं, टू क्यू प्लस जीरो। हाँ तो इसको मतलब जीरो तो का मतलब नहीं, जीरो तो काट दें, तो ए को हम ऐसे लिखते हैं टू क्यू अगर इंटीजर इवन है तो ठीक है। क्वेश्चन देख, अब क्वेश्चन पढ़ा क्या है, इवन है तो ऐसे लिख सकते हैं, शो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ टू क्यू एंड एवरी पॉजिटिव, फॉर दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म टू क्यू। देखो हमने शो कर दिया कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर टू क्यू के फॉर्म में आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा अपना। हाँ अब ऑड वाला करते हैं, ऑड वाला कैसे करेगा सर, सेम डिवाइड करके अवॉर्ड वाला अपने आप कर।